रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे, लेकिन वो बीजेपी दफ्तर नहीं गए और सीधे मुख्यमंत्री आवास चले गए। और इधर बीजेपी दफ्तर में नव निर्वाचित विधायक सुशील कुमार मोदी पर चुपचाप राजनाथ को अपनी राय बताने के लिए इंतजार करते रह गए। राजनाथ सिंह को पहले 10 बजे बीजेपी विधायकों की बैठक में शामिल होना था, लेकिन उनकी गाड़ी सीएम नीतीश कुमार के आवास की तरफ मुड़ गई। कहा जा रहा है कि बीजेपी कार्यालय में विधायक दल की बैठक में दो वरिष्ठ नेताओं ने सुशील मोदी के नाम का विरोध किया है। इनमें से एक 6 बार तो दूसरे 8 बार से विधायक हैं। इधर राजनाथ सिंह ने एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन सुशील मोदी पर सस्पेंस अभी बरकरार है। बीजेपी के इतिहास में ऐसी पहली घटना है कि जब नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक तो हुई, लेकिन विधायक दल के नेता की घोषणा नहीं हो पाई है। राजनाथ सिंह को एयरपोर्ट से सीधे बीजेपी कार्यालय जाना था। विधायक देर से उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन राजनाथ सिंह बीजेपी मुख्यालय की जगह सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। उनकी गाड़ी में सुशील मोदी भी थे। दरअसल बीजेपी दफ्तर में सुशील मोदी का विरोध होने वाला था, इसी वजह से रणनीति के तहत सुशील मोदी राजनाथ सिंह के साथ चिपके रहे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।